दोस्तों सितंबर 2019 का महीना खत्म हो चुका है, आज अक्टूबर 2019 की शुरुआत हो चुकी है। आज है 1 अक्टूबर 2019। समय इसी तरीके से आगे निकलता जाएगा, हमें बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। जो लोग भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहते हैं, टेलीग्राम पर टारगेट स्टडी आईक्यू को चैनल को ज्वाइन करके वहां पर आप सब कुछ पा सकते हैं। तो इसी तरीके से शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि महाराष्ट्र चुनावों के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो, भारत के 4 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो जिसको लेकर ये जो महाराष्ट्र में गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है माधुरी दीक्षित जी को। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको माधुरी दीक्षित का फोटो दिखा देते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं इस तरफ आपको महाराष्ट्र का मैप दिख रहा होगा, बगल में आपको देखो यहाँ पर वहीं की लैंग्वेज में कुछ चीज लिखी हुई है, और यहाँ पर देखो माधुरी दीक्षित का फोटो लगा हुआ है। तो माधुरी दीक्षित को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। गुडविल एम्बेसडर होता क्या है, उसका काम क्या होता है? देखो, ये जो गुडविल एम्बेसडर होता है ये किसी पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट नहीं करते हैं, ये सिर्फ इतना प्रमोशन करते हैं कि लोग बढ़ चढ़कर इस चुनाव में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलें और चुनाव में वहाँ पर वोट डालने पहुँचे, इसके लिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो एक बार फिर से देखेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है माधुरी दीक्षित को, जिसका कि फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पता आपको ये होना चाहिए कि भारत में देखो आपको हर 5-6 महीने में या 2 महीने में आपको सुनने को मिलता होगा कि इस स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो चुनाव जो है वो किस चीज़ को लेकर हो रहे हैं। जैसे इस समय जो माहौल बना हुआ है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय भारत के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें से कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहले तो हरियाणा में होगा, दिल्ली सरकार में होगा, महाराष्ट्र में होगा और झारखंड। इन 4 राज्यों में अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें कि महाराष्ट्र को लेकर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर से मतदान शुरू हो जाएगा। दोस्तों चूंकि ये क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड है, तो इस समय के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, सुनील अरोरा उनका नाम है। अच्छे से नाम को याद मेमोराइज कर लेना, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए सुनील अरोरा। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर गुडविल एम्बेसडर की बात हुई है, तो हम लोग रिसेंट में पिछले 5-6 महीने में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, रिसेंट में मैंने आपको बताया था एक पेमेंट कंपनी होती है जिसका नाम है वीजा, उसका गुडविल उसका एम्बेसडर बनाया गया था पीवी सिंधु को, ठीक है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो बनाया गया था एक्टर गोविंदा को। इसी तरीके से एक मोबाइल ऐप होता है जिसका नाम होता भारत पे, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सलमान खान को, ठीक है। आगे चलते हैं, मिंत्रा ये जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी होती है जिस तरीके से फ्लिपकार्ट होता है, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो बनाया गया था विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को। इसी तरीके से SBI का एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है SBI योनो, इसके लिए उन्होंने स्वप्ना वर्मन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसी तरीके से BSNL कंपनी जो है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था MC मैरी कॉम को। अब देखो जल्दी से हम लोगों ने इतना रिवीजन कर लिया, आई होप इस रिवीजन से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, 3-4 प्रश्न हमें एग्जाम में इसी रिवीजन से मिल जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रमन सेट 2 नामक छोटा उपग्रह लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो नाम से तो लग रहा है कि ये भारत का होगा, ठीक है, रमन सेट, रमन जो होता है ये भारत का वर्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि भारत की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने इसको लॉन्च किया होगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा कंफ्यूजन मत रखना, इसको लॉन्च किया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। नासा ने रमन सेट 2 नाम के एक सैटेलाइट, एक छोटे से उपग्रह को लॉन्च किया है। अब ये रमन सेट है क्या, किसने बनाया है, इसको जानेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको बता दूँ, रमन सेट एक छोटा सा सैटेलाइट है जिसको भारतीय स्टूडेंट जिसका नाम है आभास सिक्का, इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। एक्चुअल में आभास सिक्का ने एक इंटर्नशिप के दौरान, यहाँ पर देखो बता देता हूँ,
स्पेस इंडिया के साथ में एक इंटर्नशिप के दौरान उसने इस सैटेलाइट को डिजाइन किया था। जिस सैटेलाइट का उद्देश्य क्या होगा, चूंकि ये सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नासा के द्वारा इसको स्पेस में पहुंचाया गया है, तो ये सैटेलाइट जो है ये क्या करेगा, सूर्य से और अदर ग्रहों से आने वाले जो रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, उसको मापने का ये काम करेगा। जिसको लेकर आपको ये फोटो दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो फोटो पूरा है, पंपलेट बना हुआ है, जिसमें आप लोग यहाँ पर आभास सिक्का का फोटो भी देख सकते हैं। ये 17 साल का एक लड़का है जिसने इस सैटेलाइट को डिजाइन किया है। इसको देखो, साफ साफ लिखा है कि नासा ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है रमन सैट 2। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका जो डायमेंशन है वो है 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर, ये इसका डायमेंशन है। इसके पहले दोस्तों, अगले क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। सभी लोग लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। सभी लोग के सपोर्ट से ही इस तरीके का कंटेंट मैं रेगुलर बनाता रहूंगा। आगे क्वेश्चन है अपना, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया को किस महान पुरुष की 30 अनएडिटेड रील प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया को महात्मा गांधी की 30 अनएडिटेड रील प्राप्त हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि इंडिया के जितने भी पुराने वीडियो फुटेज होते हैं, चाहे वो गाने हो गए, मूवीज हो गई, या फिर नेताओं के भाषण हो गए, बड़े बड़े नेताओं की यात्राएं हो गई, उन सभी के डेटाबेस को अपने आर्काइव्स में, मतलब अपने पास में उसको संजो कर रखता है, उसको संभाल कर रखता है। तो इसी दौरान पर, छानबीन के दौरान पर, इनके हाथ में कुछ रील इनको कुछ रील्स मिली थी, कुछ फुटेज मिले थे, जिसमें जब इन्होंने चेक किया तो पता चला कि महात्मा गांधी की 30 अनएडिटेड, जिनको एडिट भी नहीं किया गया है, ऐसी रील इनको वहां पर प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आपको इसका फोटो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ऑफिसर हैं वो उन रील को यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। तो ये महात्मा गांधी की 30 अनएडिटेड फुटेज हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ट्विटर पर इन्होंने इस चीज को शेयर भी किया था, जिसमें कि ये जो फुटेज पाई गई हैं, इनमें से देखो, यहाँ पर इसको वीडियोस के ऊपर में कुछ लिखा भी है कि गांधी जी इन मद्रास 1946 के टाइम के ये वीडियोस हैं। और गांधी जी की जब हत्या हो गई थी, उस समय लोग रैली बनाकर जो चल रहे थे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। और ये गांधी जी 2 अक्टूबर यानी कि कल के दिन में, गांधी जी की जयंती पर इन सभी वीडियोस को NFI के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस रील में लगभग 6 घंटे का वीडियो फुटेज है। इसके अलावा, चूंकि यहाँ पर बात हो रही है नेशनल फिल्म आर्काइव्स इंडिया के बारे में, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे है। ठीक है, तो इतना सारा चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। उससे पहले एक चीज बता दें, इस बार 2 अक्टूबर 2019 को जो गांधी जयंती मनाई जाएगी, वो गांधी जी की 150वीं जयंती इस बार मनाई जाएगी। इसी तरीके से अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न क्या बना है, क्वेश्चन बना है, टूरिज्म के क्षेत्र में ओवरऑल ग्रोथ के लिए किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखो, यहाँ पर टूरिज्म के क्षेत्र में अभी अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग राज्यों को कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहां से। इनमें से एक प्रश्न ये बनेगा कि अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल, यानी कि हर एक पहलू में अगर बात करी जाए, तो हर एक पहलू में ओवरऑल ग्रोथ के बारे में किस राज्य ने सबसे अच्छा पुरस्कार जीता है, तो वो जीता है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दूं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने 27 सितंबर 2019 को 2017 से 2018 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं, इसमें आंध्र प्रदेश को तो ओवरऑल ग्रोथ के सेक्टर में सबसे अच्छा पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ में यहाँ पर दो राज्य हैं जिनका नाम है गोवा और मध्य प्रदेश। गोवा और मध्य प्रदेश को साहसिक पर्यटन श्रेणी में संयुक्त रूप से टॉप कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ साहसिक पर्यटन श्रेणी में कौन सा राज्य नंबर वन पर है, तब आप टिक करोगे गोवा और मध्य प्रदेश, दोनों ही नंबर वन पर आए हैं।
साथ ही साथ में एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि बताओ फिल्म निर्माण यानी कि फिल्म निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा पाया गया है। तो फिल्म निर्माण के मामले में, मूवीज बनाने के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर आया है। इसी तरीके से एक प्रश्न बन सकता है कि आईटी और इनोवेशन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वाला राज्य कौन सा है, तो वो बना है तेलंगाना। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखो 2019 के कुछ रिसेंट में दिए गए अवार्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं जो कि हमसे छूट गए थे, जिनको हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में यात्रियों को दिए जाने वाली सेवाओं के बारे में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया है, तो वो चुना गया था कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। यात्रियों को कौन कौन सी सेवा दी जाती है, जैसे कि उनको वेटिंग रूम में इंतजार करने के लिए किस तरीके का माहौल आप देते हैं, उनको फ्लाइट के दौरान किस तरीके का फूड आप सर्व करते हैं, उनको किस तरीके से आप उनकी टिकट की चेकिंग करते हैं, उनके लगेज को किस तरीके से आप डील करते हैं, इन सभी कैटेगरीज को यानी कि पैसेंजर्स को दिए जाने वाली सेवाओं को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो उस मामले में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सबसे पहले स्थान पर आया है। इसी तरीके से 2019 का शस्त्र रामानुज पुरस्कार जो था ये दिया गया है एडम हार्पर को। नाम आप याद करते चले, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी रिसेंट में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं जो कि इस बार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अभी रिसेंट में मैंने आपको बताया था कि बेस्ट फीफा फुटबॉलर अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है, वो प्रदान किया गया है लियोनेल मेसी को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक चीज और, यहाँ पर एक अवार्ड और है जिसका नाम है ब्रिटेन में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड में सोनू निगम को सम्मानित किया गया है। दोस्तों करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HS अरोरा। HS अरोरा को हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले HS अरोरा का फोटो हम लोग देखेंगे, ये रहे HS अरोरा का फोटो जिनको भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, इनको ये किसका स्थान लेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में ये RKS भदौरिया जी का स्थान लेंगे जो कि इनसे पहले भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हुआ करते थे। लेकिन ये जो नाम RKS भदौरिया है ये भी बड़ा सुना सुनाया नाम लग रहा है। एक्चुअल में हाल ही में RKS भदौरिया को भारतीय वायुसेना का नया चीफ एयर मार्शल बनाया गया है, जिनका पूरा नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जिनका भी फोटो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये RKS भदौरिया को हाल ही में भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख से इनको भारतीय वायुसेना का प्रमुख बना दिया गया था, जिस वजह से वो वाली पोस्ट खाली हो गई थी। और जैसे ही वो वाली पोस्ट खाली हुई थी इनको यानी कि HS अरोरा को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बना दिया गया है। अब दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का नाम क्या है तो आंसर करोगे HS अरोरा, फोटो भी आपने देख लिया। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय वायुसेना के प्रमुख का नाम क्या है तो RKS भदौरिया उनका नाम हो जाएगा। तो RKS भदौरिया का फोटो भी आपने देख लिया, तो प्रमुख और उप प्रमुख दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाना है। एक प्रश्न ये बनता है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को पता होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चीज़ अनाउंस करी थी कि वो एक ऐसी पोस्ट लेकर आएंगे कि वो जो तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनकी रिपोर्टिंग जहां पर जाएगी उसको पोस्ट यहां पर लेकर आएंगे। तो जनरल बिपिन रावत ये किसको बनाया जाता है, ये बनाया उसको जाता है कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनमें से सबसे जो सीनियर मोस्ट होगा उसको उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसा कि इस बार जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनमें से सबसे सीनियर है जनरल बिपिन रावत जो कि इस समय भारतीय थल सेना के प्रमुख भी हैं, तो उनको इस पोस्ट पर बिठाया गया है। अब इसमें होगा क्या कि तीनों सेनाएं आपस में आसानी से कोऑर्डिनेट कर पाएंगी, मतलब बाकी तीनों सेनाएं अपनी रिपोर्टिंग जो है वो इनको कर पाएंगी। तीनों सेनाओं से मतलब है कि थल सेना की रिपोर्टिंग तो खुद भी इनके पास में होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई आपातकाल की स्थिति होगी या कोई चीज़ प्लानिंग करनी होगी तो तीनों का कोऑर्डिनेशन बनाकर अच्छे से प्लानिंग हो सकती है।
तो यहाँ पर जनरल बिपिन रावत का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो का PDF जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाते हैं, जिनको आप उस PDF से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो और वायुसेना ने मिलकर भारत के पहले मानव युक्त मिशन जिसका नाम है गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री चुने हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, भारत एक मिशन करने वाला है, पहली बार भारत अपने साइंटिस्ट को स्पेस में भेजने जा रहा है, जिसका नाम, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट गगनयान, मिशन गगनयान। तो जिसके लिए जिन भी साइंटिस्ट को इस मिशन में भेजा जाएगा उनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 12 लोगों को यहाँ पर कुछ सेलेक्ट किया गया है। अब इन 12 लोगों को रसिया भेजा जाएगा, जहाँ पर रसिया में क्या होता है, रसिया में एक्चुअल में एक ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर जिन भी साइंटिस्ट को वहाँ पर भेजा जाना होता है उनकी 2 या 3 महीने की एक ट्रेनिंग सेशन होता है। उस ट्रेनिंग को जो भी पास कर लेता है उसी को फाइनली सेलेक्ट किया जाता है, स्पेस में जाने का मौका उसी को दिया जाएगा। बिना ट्रेनिंग के किसी को नहीं भेजा जा सकता है, जैसे कि वहाँ पर स्पेस में 0 ग्रेविटी में किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आप मूव करेंगे। जैसे कि आप ये ट्रेनिंग सेंटर का एक फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें कि 0 ग्रेविटी का आप यहाँ पर माहौल देख सकते हैं, जिनमें कि सभी लोग हवा में इस तरीके से टंगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब हमको पता होनी चाहिए ट्रेनिंग में। तो यहाँ पर ये जो 12 यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनमें से केवल 4 ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि फाइनली सेलेक्ट किए जाएंगे स्पेस में भेजने के लिए। दोस्तों, करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में बना है, मोस्ट कंज्यूमर फोकस्ड ब्रांड रिपोर्ट 2019 सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा ब्रांड देश का सबसे कंज्यूमर फोकस्ड ब्रांड बनकर उभर कर सामने आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैमसंग यहां पर उभर कर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि कंज्यूमर फोकस्ड लिस्ट की अगर बात करी जाए तो मोस्ट कंज्यूमर फोकस्ड ब्रांड 2019 में सैमसंग नंबर 1 पर आया है। कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से जो ये डिवाइसेस बनाता है उस मामले में ये नंबर 1 पर आया है। इस लिस्ट में कुल मिलाकर 100 में से 56 भारतीय ब्रांड को स्थान दिया गया है, जिसमें से पहले 3 के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से सबसे पहला है सैमसंग, हालांकि यही एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरे नंबर वाला एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पर आया है डेल, तीसरे नंबर पर आया है एप्पल और चौथे पर आया है LG। तो ये रिपोर्ट जो है इसका फोटो दिखा देते हैं, साथ ही साथ में जो नंबर 1 पर है उसका भी फोटो दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है मोस्ट कंज्यूमर फोकस्ड ब्रांड 2019 और यहाँ पर सैमसंग लिखा है, जिसमें कि आपको समझ में आ जाए कि सैमसंग इस लिस्ट में नंबर 1 पर आया है। PDF डाउनलोड करके जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो इन सभी फोटोज को जरूर देखते चलना, उससे लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश के बीच में 3 पक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है मालाबार 2019 की शुरुआत हुई है? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत, अमेरिका और जापान के बीच में मालाबार 2019 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, भारत, ये रहा भारत, ये रहा अमेरिका और ये रहा जापान का झंडा, जिन तीनों देशों के बीच में अभी इस मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत जो है वो हो गई है। इस एक्सरसाइज को प्रशांत महासागर में कंडक्ट किया जा रहा है, जिसकी डेट जो है वो है 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2019 के बीच में इस पूरे एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगला प्रश्न बनता है, देखो नेपाल क्रिकेट टीम का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन अभी एक रिकॉर्ड बन गया है जिस वजह से आपको इसका नाम पता चल रहा है। नेपाल के कौन से बल्लेबाज इंटरनेशनल T20 मैच में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो नेपाल की तरफ से जो पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाया है उनका नाम है पारस खड़का। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पारस खड़का का फोटो भी आपको यहां पर दिखा देते हैं। अभी रिसेंट में नेपाल का सिंगापुर के खिलाफ में एक मैच था, जिसमें कि 152 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ 52 गेंद में इन्होंने 106 रन की पारी खेली थी। जिस प्रकार से ये नेपाल क्रिकेट की तरफ से पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 52 गेंद में जिन्होंने अभी शतक लगाया है, तो इनका नाम आप एक बार समझ लीजिए, पारस खड़का इनका नाम है। अगर एक प्रश्न ये भी पूछा जाए कि पारस खड़का किस खेल से संबंधित है, तो आंसर टिक करना क्रिकेट से संबंधित है। किस देश से बिलोंग करते हैं? नेपाल क्रिकेट टीम्स को से खेलते हैं और नेपाल से बिलोंग करते हैं।
दोस्तों अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का क्विज। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग एक सेकंड का टाइम निकालकर आंसर जरूर देना। पहला क्वेश्चन है, टीवी हारेगा देश जीतेगा, इस अभियान में कब तक टीवी से मुक्त करने का अभियान चलाया गया है? वर्ल्ड हार्ट डे 2019 किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में किस भारतीय पूर्व कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बनाए गए हैं? दोस्तों सभी प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।